लोगों जनता नू लोड़ सी उन्होंने बड़े घोटाले हुए। सब तो पहले श्रोमणी अकाली दल ने सख्त नोटिस लिता, जिहड़ा पंजाब दे मुख्यमंत्री कांग्रेस की कैबन ने असिधे तरीके नाल पंजाब दे खजाना दे ट्यूबवैलां दे बिल लाउण दी कोशिश या उन्होंने फैसला किया। कहिंदे है कि असी बिल नहीं ला रहे, पर फिर कह रहे हैं कि बिल भर दिओ ते वापस असी बिल उन्ना पैसे दे दांगे। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी ने क्लीयरली आ प्रपोजल रिजैक्ट किया। आ एक साजिश है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो पहले भी मुख्यमंत्री सी 2002 ते 2007 विच उदों भी उन्होंने ट्यूबवैलों के बिल लाए, जो बिल ला के जो साल डेढ़ साल रखे, जो इलैक्शन आ गए उन्होंने वापस लाए। हुण उही साजिश के तहत हुण फिर तो लाना चाहते हैं। सो श्रोमणी अकाली दल कितें बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब के किसानों के नाल खड़ के असी थोनू वचन दिंदे आ, पंजाब के किसानों नू किसानों की लड़ाई असी लड़ांगे। तो किसी हालत में आ जिहड़ा कांग्रेस की सरकार का कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा निशाना वह असी पूरा होन नहीं देवांगे। दूजी गल, पंजाब विच कांग्रेस के लीडर कांग्रेस के मंत्री अपने चहेतियां राही लुट रहे, लोकां दियां किसानां दियां गरीबां दियां जानां ते खेड़ रहे। ये तो माड़ी गल की हो सकती है कि नकली बीज दे के किसानां दी पिट ते छुरा मारना। किसान दिन रात मेहनत करके अपने परिवार नालों भी ज़्यादा मेहनत करके अपने फसल उगाते हैं, पर मैनू बड़ा दुख है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे मंत्रियों की सपोर्ट नाल कई ऐसे लोग अगे बाजार च आ गए। जे नकली बीज जिहड़ा केस रजिस्टर होया, देखो केस रजिस्टर कोई सरकार ने उदों कीता क्योंकि किसानों ने जो रौला पाया, तो वड्डी गल है केस रजिस्टर तुसी करता। बरार सीड जिथों की दे खिलाफ केस रजिस्टर होया वह अज भी खुला है, अज भी बीज बेच रहा है। जे नकली बीज कितों मिल जाए कि वह दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, वह इंसान वह जिहड़ा बंदा जिहड़ा बेच रहा वह अंदर नहीं होना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि उन्होंने पोलीटिकल कांग्रेस की सपोर्ट है, लीडर की सपोर्ट है, तो वह ब्राड सीड भी खुला है। तो ब्राड सीड ने जिथों सीड लिता करनाल सीड, हुण करनाल सीड नूं अज तक कांग्रेस की सरकार ने एक नोटिस भी नहीं दिता, एक उत्थे पुलिस का एक सिपाही भी नहीं गया। डेरा बाबा नानक वो फैक्ट्री है, देखो कितना वड्डा कबला है। करनाल दे नां ते एक सीड बड़े मशहूर है क्योंकि झोना करनाल का बड़ा नाम बनया सी। आ जिहड़े कांग्रेस के मंत्री दे जिहड़ा चेहता सी उहने आ जाली फैक्टरी करनाल सीड के नां ते खोली। डेरा बाबा नानक, डेरा बाबा नानक करनाल सीड की फैक्टरी खोली, उहदे उह जिहड़ा हैगा हुण देखो एड्डी वड्डा फ्रॉड की हो सकता है। तो वह जाली सीड वेचते, उन्हें एक लखां क्विंटलां दे क्विंटल किन्ने सीड वेचते। आ सीड का घोटाला कल्ला पंजाब च नहीं, आ सीड उन्होंने हरियाणे ते दूजे सूबियां च वेचा है। सो श्रोमणी अकाली दल कोर कमेटी ने फैसला किया कि जिहड़े एस आई टी बनाई गई है वह कवर अप और लुकाउण की कोशिश बचाउण की कोशिश दे राही बनाई गई है। ऐसियां धारां नहीं लाइयां जिदे करके वो बंदा अंदर हो सकता सी, जान के जिहड़े धारा लाइया केस दे विच बहुत माइनर धारा लाइया। दूजी गल, असी कंप्लीटली एस आई टी नूं रिजैक्ट करते हैं। आ दुध ते दुध ते पानी ते पानी तां आ सकदा है जे सी बी आई की इंक्वायरी होए, क्योंकि आ कला सूबे का मैटर नहीं आ, हुण कई सूबियां चा सीड वेची है तो इंटर स्टेट मैटर है। इंटर स्टेट मैटर विच पंजाब की सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो इस करके यदी सी बी आई की इंक्वायरी असी चाहते हैं। तीजी गल, जिवें मैं कहा पंजाब सरकार दे मंत्री कांग्रेस पार्टी लोकां दी जिंदगी नाल खेल रही है। हजारां करोड़ां रुपये नकली शराब दियां फैक्ट्रियां लभियां गईयां,
वो जिन्या भी सरकार नकली शराब दियां फैक्ट्रियां लगी गई हैं वो सारे ही कांग्रेस के वर्करां दियां हैं। एक भी शराब की नकली फैक्ट्री बगैर कांग्रेस के लीडर की नहीं है, जां कोई जिला परिषद कांग्रेस का मैंबर है जां किसी MLA का चेहत है। सारिआं नूं पोलिटिकल पेटनिश दित्ती गई है। जिहड़ा पंजाब के खजाने की लुट हुई है, 5600 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने का इन्होंने लुट के लै गए। वो किवें लैके गए? क्योंकि नकलियां फैक्ट्रियां लाई, डिस्टिलरियां तो ट्रकों के ट्रक निकलते, EMA भेजी जाते। आ जिहड़े हैगे अपना शराब की फैक्ट्रियां, तुसीं देखो जिहड़ी 10,000 रुपये की बोतल जिहड़ी इंग्लिश शराब की है, जिहड़ी टॉप की ब्लैक लेबल या होर कोई जिहड़ी शराब है, 10,000 की जिहड़ी बिकदी है बोतल, वो 250 रुपये वाली शराब पा के बेच रहे हैं। देखो ये तो माड़ी तो गल की हो सकती है। हुण जे आम जनता नकली शराब पीऊगी तो किन्ने लोग ना दी जिंदगी ते खिलाड़ हो रहा। पर सर पंजाब सरकार नू कैप्टन साहब नू कोई फर्क नहीं, कोई परवाह नहीं, महकमा उन्हां दा। हुण तुसीं ड्रामा तां देख लिया जो पंजाब दी कैबिनेट ने कीता, ते हुण ड्रामा क्यों बंद हो गया? क्योंकि सुलह हो गई, जिहड़ी वंडर करनी सी सुलह हो गई, एक दूजे पोल खोलने बंद करते। की कैबिनेट मंत्री जिहड़े कहिंदे सी कि जिहड़ा इन्ना वड्डा नुकसान पंजाब दे खजाने दा शराब करके होया, 5600 करोड़ का नुकसान होया, आई कहिंदे सी इंक्वायरी होनी चाहिए है, अफसरों की इंक्वायरी होनी चाहिए है, चीफ सैकटरी की इंक्वायरी होंगी है, हूँ क्यों चुप हो गए? जे माफ़ी किसी ने सॉरी कहता ये मतलब तुम माफ़ी कर दोगे? कि चीफ सैकटरी सच सी या मिनिस्टर सच सी? चीफ सैकटरी ने शरेआम, मैं बधाई देना चीफ सैकटरी के गट साहब जी ने शरेआम कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में कहा कि जी घोटाले हो 5600 करोड़ रुपया का जोड़ा घोटाला ज खजाना लुटिया गया है, आ कांग्रेस के मंत्रियों के पेटनेज करके उन्होंने सपोर्ट करके लुटिया गया है। तो हूँ सारा खुश है, सारा रोटी खुवा के कुछ कर लिया। जोड़े मंत्री है उदो कहते असी मर जाएंगे, असी कैबिनेट नहीं बैठा, हूँ किधर हूँ क्यों चुप हो गए? इन्ना जे उन्होंने इन्ना डर से अपनी पोस्टा क्यों नहीं छड़िया, रिजाइन क्यों नहीं किया? पर नहीं, क्योंकि मंत्रीपन ज़्यादा जरूरी है। लिटखो उन्होंने हूँ उन्होंने सारे हिस्से उस्से मिलने लग गए, हूँ ज़्यादा जरूरी है। सो वो शराब के घोटाले च भी, क्योंकि आ जी शराब है तुम देखे होना, जी अपने राजपुरा शराब फड़ी गई तो खन्ने गई है, वो कई पेटियां वो जी हरियाणे भी फड़ी गई हैं। हरियाणे भी इंटरस्टेट मैटर हो गया, यदि भी CBI जांच होगी, क्योंकि सानू कोई विश्वास पंजाब सरकार ते नहीं, क्योंकि पंजाब सरकार का महकमा मुख्यमंत्री को आप है कि मुख्यमंत्री इनकुआरी करेंगे? किसी की हिम्मत है इनकुआरी करने की उन्होंने महकमे की? हूँ कैबिनेट नाल रल गई है, सारी कैबिनेट ने माफ करता सारे जो 5600 करोड़ के घाटे कहते ठीक है, हम सारे चुप कर गए। इस करके यदी भी CBI की इंक्वायरी चाहिए है, तो पता लगेगा किड़े किड़े दोषी है। फिर जिहड़ा वड्डा घोटाला खोर होया वो राशन का घोटाला होया। देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1.5 करोड़ आबादी वास्ते, अपने पंजाब की 1.5 करोड़ आबादी वास्ते 5-5 किलो पर परसन, एक बंदे दे 5 किलो चावल या कणक या दालों का उत्थे स्टॉक देता, वो भी मुफ्त। जिन्ना राशन पंजाब की सरकार वंड रही है सारा प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भेजा, एक भी दाणा पंजाब सरकार का नहीं। पर हो की रहा सारा? पहली गल पंजाब के गरीबों नूं मिल ही नहीं रहा, जेडे जिन्हां मिल रहा वह है कांग्रेस के सरपंच कांग्रेस के MC उन्होंने घरें, सारा पंजाब सरकार तो राशन उन्होंने घरें जा रहा है, घर के रखी जाते हैं। अद्धा राशन, अद्धे तो ज़्यादा राशन जिहड़ा सेंटर का मोदी साहब ने भेजे है, वो सारा अद्धा तो ज़्यादा राशन उन्होंने दुकाना च बेचता कांग्रसियों ने। यार गरीब की रोटी खो रहे हो तुसीं, जिहड़े गरीब बेचारे भुखे मर भुखे भुख का सामना कर रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर बेचारे की नौकरी नहीं, उन्होंने कोई पैसा नहीं, प्रधानमंत्री राशन भेजा तो पंजाब सरकार दे पार्टी दे लीडर उन्हों वेच वेच के अपना घर भर रहा है? ये तो माड़ी घटिया गल की हो सकती है कांग्रेस पार्टी की? इस करके मैं प्रधानमंत्री को ऐसी चिट्ठी लिखांगे कि जिहड़ा राशन तुसीं भेज रहे हो यदि सही मेरे CBI की जांच होए, जिहड़े कांग्रसियों ने खाधा सारे अंदर होने चाहिए है।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 676 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਦੇ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਸੈਂਡ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 84 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ, 750 ਕਰੋੜ, 600 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਰੇਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚੋ, ਰੇਤੇ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚੋ, ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲ ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਆ ਚਾਰ 5-5 ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰੋਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਰਿਆਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ 70% ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 70% ਫੀਸ MBBS ਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਫੀਸ ਇੰਕਰੀਜ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਡਰਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ
करने से मना कर दिया कि आप फ्री बीज बंद करो पहले स्टेट में, तो इसलिए ये एक ऑप्शन निकाला था कि हम सब्सिडी देंगे किसानों को, मिल जाएगा लेकिन हम देंगे, तो वो भी फ्री भी है, लेकिन वो हमने वापस ले लिया फैसला। पहली गल है, पहले डिस्कस करने की लोड़ सी। आ पहली मैं तुहानू इक गल दसना चाहना है, सेंटर की सरकार पिछले 20 सालों तो आई कह रही है, अनुसार मनमोहन सिंह दा प्रधानमंत्री उदों भी आ कहिंदे सी कि तुसी ट्यूबवैलां दे बिल तुसी बंद करो लाउणे, तुहानू याद हो गया सर मनप्रीत सिंह बादल नू पार्टी चों कढ़िया गया ते मिनिस्ट्री चों कढ़िया गया। वड्डा कारण सी मनप्रीत सिंह बादल उदों ट्यूबवैल दे बिल लाउणा चाहुंदा सी, तुहानू सारे नू पता है, उन्हें विधानसभा च भी कहा सी कि उदों प्रणब मुखर्जी जां फाइनैंस मिनिस्टर ने कहा सी कि तुसी सानू असी पैकेज देवांगे तुसी आ बिल माफ करो आपा बिल लाओ। असी बादल साहब ने क्लेयर किया सी उदों कि कुछ भी हो जाए असी किसानां नू ते पिट ते छुरा नहीं मार सकते सी, उदों भी साडा क्लेयर स्टैंड सी ते हुण भी स्टैंड है ते अगे ते भी रहना है। असी पंजाब दे किसानी जिन्हें देश नू बचाया है उहदे पिट ते वार नहीं होण देवांगे। साडा स्टैंड पहले भी किया सी उदों अपनी असी उहदे मनप्रीत सिंह बादल नू पार्टी चों कढ सकदे हां, असी मनप्रीत सिंह पार्टी नू मिनिस्ट्री चों कढ सकदे सी भावें साडा रिश्ता सी, पर बादल साहब बड़े क्लेयर सी कि जो साडी पालसी दी पॉलिसी उल्ट जाऊगा उहदे खिलाफ है। मैं नहीं कह सकता जो फाइनेंस का मैटर तो फिर डिस्कशन तो उन्होंने आप करनी होनी है। मूव तो सी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो भी मुख्यमंत्री बने हैं पिछली बार भी ट्यूबवैल के बिल आई सी ना कि नहीं, उन्होंने आ एक बहाना है सेंटर का, जे स्टेट का फैसला होंगे कोई सेंटर हजार चीजा कहता करनो, अपनी फैडरल सैटअप है, हर स्टेट अपने आप देखता है कि उस स्टेट में सूट करता है कई नहीं सूट करता। आ फैसले जिहड़े हैगे जिहड़े आ गल कर रहे कि सानू हजार करोड़ आजूगा, 56-57 करोड़ का शराब का घोटाला करके लुट सकते हैं, मैं कहना लुट बंद कर दौ, 5600 करोड़ की लुट जी शराब का रेते का जो लुट करी जाते वह बंद कर देन तो मतलब खजाने की भरया ही भरया खजाना, अपन किसी चीज़ की लोड़ नहीं। मैं मंत्री जी पूछना चाहना है कि तुसी मंत्री हो, थोड़ी सरकार है, एडा वड्डा घोटाला होया हजारां लखां किसानां दी तुसी जिंदगी ते हमला कीता है, हले तक जिहड़ा बराड सीट जिथों दुकान तो मिले है ना वह सरकार दुकान बंद हुई है ना वह मालक अंदर किया गया, जां जिथों बणिया है करनाल सीट जिहड़े उन्हां दे चेहते है गुआंढी पिंड दे है उन्हां दे अपने हल्के दे मेन बंदे है 24 घंटे उन्होंने रेंदे उन्होंने अज तक पुलिस ने उस तरफ उस सड़क पर भी नहीं पुलिस गई। तो फिर जे इन्ने दिन हो गए पिछले 20 दिन हो गए किसानों ने फसल बीजन आ गई तो हले तक कुछ नहीं कर रहे, तो यह मतलब उन्होंने सपोर्ट है कि नहीं। हाँ जो तक वो सारे बेच ना लेंदे हूँ मौका दे रहे कि सारा बेच दौ लग लोग बीज बूज देन असी करांगे, कोई कोई FIR दर्ज होंदी है पुलिस इमीजिएटली अरेस्ट कर देती है। इत्थे हजारां लखां किसानां दी जिंदगी का सवाल है, इत्थे पंजाब सरकार अरेस्ट करन नूं सोच ही नहीं रही, इह तां मैं कहां पहला एग्जाम्पल होना है। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के मंत्रियों ने कैबिनेट के चीफ सैकटरी की कहा कि हजारां करोड़ रुपए का घोटाला होया आ जरा घाटा गया यदि इंक्वायरी होनी चाहिए है, फिर उदो कैबिनेट मंत्रियों ने क्यों कहा, उदो MLA ने क्यों ट्वीट किया, MLA ने ट्वीट किया तुसी 5600 करोड़ रुपया 3 सालों का घाटा देख लो, जिस स्पीड ना 12% 14% रेट ऑफ ग्रोथ दे पंजाब सरकार दे बादल साहब दे राज विच लिकर दी सेल वध रही सी, अज हरियाणे विच लिकर जिहड़ी शराब है घट तो घट रेवन्यू उन्हां दी ते मतलब 40% 50% वध गई। राजस्थान जिथे कांग्रेस दा राज है उत्थे 6000 करोड़ सी 3 साल पहले, अज 9.5 हज़ार करोड़ ते राजस्थान च हो गई। UP विच जिथे 13-14 हज़ार करोड़ सी 3 साल पहले, अज 28 हज़ार करोड़ रुपया शराब दी आमदन UP च होगी। पंजाब
जिथे 5,000 करोड़ 3 साल पहले सी एक्टी मिला 45-46 सौ तो पहुंची घट गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पहली बार मुख्यमंत्री सी उदों भी आमदन घट गई सी एक्टी भी घट गई कि जो श्रोमणी अकाली दल का राज आता उदों वधदी आमदन कैप्टन साहब घटाते हैं फिर घोटाला कौन करता है। साड़ी पूरी तैयारी है किसी हालत विच असी कांग्रेस नूं आ बिल नहीं लाउण देवांगे कांग्रेस कैप्टन साहब नूं। आ फैसला ही पंजाब सरकार दा हुंदा केंद्र दा ही नहीं स्टेट सब्जेक्ट है। नहीं नहीं केंद्र तो हजार चीजां दी गाइडलाइन आउंदी है फैसले स्टेट सूबे दी सरकार करदी है। जदों प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सी प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर सी मनप्रीत सिंह बादल साडे फाइनेंस मिनिस्टर सी उदों ही प्रेशर पाया सी मनप्रीत सॉरी कैबिनेट च आके कहन लग्या सी कि असीं बिल लाया करो लाइए असीं बादल साहब ने क्लीयर करता सी किसे हाल च नहीं। जदों उन्हें अखबार ओपनली तुसीं देखिया होणा उदों ओपनली मनप्रीत ने बयान देण लग गया सी बादल साहब नूं उहनूं पार्टी चों कढणा पिया ते अपने मिनिस्ट्री चों कढणा पिया। सी मोदी साहब ने बहुत वड्डी चेंजेस काफ़ी वड्डी चेंजेस देश की इकोनमी वास्ते ते दूजे कामां वास्ते कीता है। सो एक साल है हले होर 4 साल पए है। वो चाहते की है पुछिए कैप्टन साहब जे कुछ मंगन भी तो सही कैप्टन साहब नूं कोई पहली गल कैप्टन साहब तुसीं मिले हो किसे नूं। मैं सारी मीडिया बैठी है सारे पंजाब की मीडिया बैठी है तुसी मैनू दस दियो कि पिछले 3 साल कदों मिले तुसी हुण कोरोना की बीमारी करके तो कैप्टन साहब तो जमें अंदर चले गए। अज हर सूबे का मुख्यमंत्री अपने सूबे की अगवाई कर रहे हैं देश के दे प्रधानमंत्री अपनी देश की अगवाई कर रहे हैं हर सूबे की जनता अपने मुख्यमंत्री तरफ देख रही है कि सूबे की किवें सानू बचाऊगा। इतने तो मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने पर लगे सूबे के लोगों को बचाने वास्ते कोई उन्हें कोशिश नहीं है। आज मैं वही कह रहा एक भी इकोनॉमिक पैकेज जो इकोनॉमिक पैकेज भावे किसानों या गरीबों कुछ दिता मोदी साहब ने दिता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो एक नहीं दिता कल्ले शराब के ठेकेदारों को रेत माफी ने दिता होर किसी नहीं दिता। हम इमीडिएटली अपील करते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री को कि धार्मिक स्थान इमीडिएटली खोले जाएं क्योंकि लोगों की आस्था है और लोगों के मन की जो इच्छा भी है सब लोग हर धर्मों के लोग चाहते हैं कि हमारे धार्मिक स्थान खुले। तो मैं अपील करता हूं हमारी डिमांड भी है कि इमीडिएटली खुले जाएं।